नमस्कार, जनमंच में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्री पवन। भारतीय संस्कृति में गाय का बड़ा महत्व बताया गया है। हमें गायों की प्रतिदिन सेवा के साथ साथ पूजा भी करनी चाहिए। गाय की पूजा ईश्वर पूजा के समान मानी गई है, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी हैं जो गाय की पूजा ना कर उसकी हत्या करने पर उतारू हैं। शायद यही वजह है कि तमाम पाबंदियों के बावजूद आज न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में गौ तस्करी और गौ हत्या की घटनाएं आम हो गई हैं। बिसेड़ा मामले में गौ मांस पाए जाने से लेकर मथुरा फैजाबाद में गौ तस्करी की घटनाओं से यह साफ पता चलता है कि गौ हत्या न कभी रुकी थी और शायद न कभी रुकेगी। गाय हमारी माता है, भारत में कम से कम ऐसा कहा जा सकता है। देश भर में गौ तस्करी और गौ हत्या को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, सजा का प्रावधान है। लेकिन क्या आपको पता है कि देश में गौ माता की तस्करी और हत्या का खेल बदस्तूर जारी है। 24 घंटे पहले की बात है जब जिंदा दर्जनों गायों से भरा एक ट्रक मथुरा में पकड़ा गया। ग्वालों की नगरी हो, मुरादाबाद या फिर फैजाबाद हो, गाय माता पर सितम बदस्तूर जारी है। क्या ऐसा हो सकता है कि पुलिस को इसके बारे में पता ही ना चलो, या फिर पुलिस की शह पर गौवंश की तस्करी और फिर हत्या की जा रही है। कुल मिलाकर मामला क्या है, ये सोचने वाली बात है। आपको दिखा रहे बेजुबान पर अत्याचार और बेबस बैठे प्रशासन का पूरा सच इस खास रिपोर्ट में। दादरी के बिसाहड़ा कांड के बाद प्रदेश में गौ तस्करी जारी है। तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं, मथुरा, मुरादाबाद और फैजाबाद में गौ तस्करी की तस्वीरें देखिए। मथुरा में एक ट्रक में करीब 50 गाय मरी पाई गई। गुस्साई भीड़ ने पहले तो गायों को ट्रक से बाहर निकाला, फिर ट्रक को आग के हवाले कर दिया। दूसरी तस्वीर मुरादाबाद की है, जहां ट्रक में लाद कर ले जा रही 40 गायों को गांव वालों की मदद से बचा लिया गया। हालांकि ट्रक में 20 के लगभग गाय मृत पाई गई। मौके की नजाकत को देखते हुए ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। गौ तस्करी की तीसरी बड़ी वारदात फैजाबाद की है। यहां पशु तस्करों ने सिपाही को गोली मार दी। दरअसल थाना इनायत नगर पुलिस को पशु तस्करों की सूचना मिली। तस्करी रोकने की कोशिश भी हुई, लेकिन गौ हत्या रोकने की कोशिश में एक सिपाही की जान पर बनाई। थाना क्षेत्र इनायत नगर में अरिंटनगंज चौकी क्षेत्र में एक मलेतु बुजुर्ग गांव है, वहां पर कुछ पशु तस्कर कुछ पशु बांधे हुए थे जंगल की तरह इलाके में। वहां पर पुलिस टीम गई थी तो पुलिस टीम पर पशु तस्करों ने फायर कर दिया, उसमें एक सिपाही को गोली लगी है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में गौ तस्करी और गौ हत्या रोकने के लिए कोई कड़े कानून नहीं बने हैं। कानून के मुताबिक गौ तस्कर और गौ हत्या करने वालों पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। वहीं देश के कई और राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, ओडिशा, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पुदुचेरी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और बिहार में गौ हत्या पर प्रतिबंध है। गौ हत्या कानून के उल्लंघन पर सबसे कड़ी सजा भी इन्हीं राज्यों में तय की गई है। हरियाणा में सबसे ज्यादा 1,00,000 रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है, तो महाराष्ट्र में गौ हत्या पर 10,000 रुपए का जुर्माना और 5 साल जेल की सजा है। हालांकि गौवध पर पाबंदी के बावजूद भी भारत बीफ का निर्यात करने के मामले में ब्राजील के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। उधर अमेरिका के कृषि विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल अक्टूबर में भारत का बीफ निर्यात बढ़कर 1.95 मिलियन टन का हो गया, जो कि 2013 के मुकाबले 5% ज्यादा है। वहीं अब हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे कि भारत में बीफ का कितना बड़ा व्यवसाय चल रहा है। जी हाँ, एक सर्वे के मुताबिक पूरे देश में करीब 28,000 करोड़ रुपए के इस व्यवसाय में मुनाफे का एक बड़ा हिस्सेदार गैर मुसलमान व्यापारी वर्ग है, जिसके लिए भारत में कुल 3,600 बूचड़खाने सिर्फ नगर पालिकाओं की ओर से चलाए जा रहे हैं। वहीं इनके अलावा 42 बूचड़खाने ऑल इंडिया मीट एंड लाइफ स्टॉक एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से संचालित किए जाते हैं, जहां से सिर्फ निर्यात किया जाता है, और 32 बूचड़खाने सरकार के एक विभाग के अधीन है। वहीं महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश तीन ऐसे प्रमुख राज्य हैं जहां से सबसे ज्यादा भैंस के मांस का निर्यात होता है,
और अकेले उत्तर प्रदेश में 317 रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस हैं। दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आदर करना भारत के संविधान की मूलभूत बातों में से एक है। 15 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने गौहत्या और गौमांस के सभी उत्पादों की बिक्री, आयात और निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात करते हुए ये बात कही थी। लेकिन लाख रुपए का सवाल ये है कि क्या सेक्युलर राजनीति और लाल किताब के पन्नों में कैद बुद्धिजीविता के लिए हिंदुओं की आध्यात्मिक मान्यताओं और भावनाओं की कोई कीमत है? देश में इस समय गौ हत्या पर प्रतिबंध की हिंदू समाज की पुरानी मांग को लेकर मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तीखी चर्चा हो रही है। गौ रक्षा का जो प्रश्न महात्मा गांधी और विनोबा भावे के लिए विशुद्ध राष्ट्रहित का मुद्दा था, उसे सेक्युलरिज्म बनाम सांप्रदायिकता का नाम देकर तथाकथित सेक्युलर राजनीति खतबदा रही है। बहरहाल हिंदुत्व की राजनीति ने अब तक जितना सफर तय किया है उसमें गाय और गौमांस की राजनीति ने अहम भूमिका निभाई है। मोदी ने अपनी हिंदू हृदय सम्राट की छवि बनाने के लिए गाय और गौमांस की राजनीति का सुविधाजनक ढंग से प्रयोग किया, लेकिन बावजूद इसके गौहत्या का खेल बदस्तूर जारी है। शायद यही वजह है कि देश में न गौ तस्करी रुक रही है और न ही गौहत्या। इंडिया